एक आदमी जो अपनी पावर से लॉकर पर हाथ रख कर पहले तो उसे फील करता है और फिर 30 सेकंड में ही उस मुश्किल तिजोरी को खोल लेता है। अब उसने ये सब कैसे किया? अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले की कहानी देखते हैं, जिसमें हम एक आदमी सेबास्टियन को देखते हैं और वो अपनी वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। एक दफा एक आदमी था जो लॉकर्स बनाने के काम करता था, लेकिन फिर उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई और उसके बाद उसने 4 ऐसे लॉकर्स बनाए जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर्स कहा जाता था, क्योंकि उन लॉकर्स को कोई भी नहीं खोल सकता था। वो आदमी अपनी फैमिली को खोकर काफी दुखी था, इसीलिए उसने खुद को ही एक लॉकर में बंद कर लिया और उस लॉकर को खोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए उसी लॉकर में उस आदमी की भी मौत हो गई। लास्ट में इस लॉकर को उस आदमी की कब्र समझकर उसे पानी में बहा दिया गया, लेकिन अभी भी वो 3 लॉकर्स बाकी थे। लेकिन वो 3 लॉकर्स कहां पर हैं और किसके पास हैं, इस बात का किसी को भी नहीं पता। ये सब कुछ बताने के बाद सेबास्टियन अपना वीडियो खत्म कर देता है और फिर उसे YouTube पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वो अपने पास पड़े एक लॉकर को अपनी आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड्स में खोल देता है। असल में वो हमेशा से ही मुश्किल लॉकर्स को खोलने की स्टडी कर रहा था और वो मुश्किल लॉकर्स को खोलने में काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। अब सेबास्टियन की वीडियोस पर ना तो व्यूज आते थे और ना ही लाइक्स आते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहने लगा था। इसके बाद सेबास्टियन एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। तभी उसके सामने एक लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ पर रोज आती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं किया जाता, लेकिन आज जरूर हो जाना चाहिए। तभी सेबास्टियन को न्यूज से पता चलता है कि पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है जिसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है। अब सेबास्टियन को वो लेडी भी एक ज़ॉम्बी जैसे ही नजर आने लगी थी, इसीलिए वो डरते हुए उसे चेक दे देता है। काम होने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि एक लड़की सेबास्टियन पर नजर रख रही है। नेक्स्ट डे सेबास्टियन जब बैंक में होता है तो वो फिर से अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है, जिसमें एक व्यू और एक कमेंट भी था। कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद तुम एक पासवर्ड बोल देना। अब ये देखकर सेबास्टियन काफी खुश और काफी एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो गार्ड को पासवर्ड बताता है, तो गार्ड पासवर्ड सुनने के बाद उसे अंदर ले आता है, जहाँ असल में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था जिसमें जो भी सबसे पहले लॉकर को ओपन करेगा वो विनर होगा, यानी वो जीत जाएगा। इसके फौरन बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोल देते हैं, जिसमें सेबास्टियन 4th नंबर पर आता है। इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड होता है, जिसमें टोटल 4 लोग थे और 2 ही लोग फाइनल में जा सकेंगे, और सेमीफाइनल में सेबास्टियन 2nd नंबर पर आता है। यहाँ पर ऑडियंस खिलाड़ियों पर बैट भी लगा रही थी। इसके फौरन बाद फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल लॉकर को सिर्फ 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी टाइम स्टार्ट होते ही लॉकर को खोलने लग जाता है, लेकिन सेबास्टियन तो आराम से खड़ा हुआ था, यानी वो लॉकर नहीं खोल रहा था बल्कि इधर उधर की चीजें देख रहा था। और जब 30 सेकंड्स रह जाते हैं तो वो लॉकर पर हाथ रख कर पहले तो उसे फील करता है और फिर बहुत ही कम सेकंड्स में उस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी ये देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका कंपेटिटर काफी गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो सेबास्टियन को मारने के लिए आगे आता है तो गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है। फिर वही उसे एक लड़की ग्वेंडलिन दिखाई देती है और जब सेबास्टियन उसे देखता है तो वो उसे अच्छी लगती है। असल में ग्वेंडलिन एक चोर होती है और ये वही लड़की होती है जो बैंक में भी सेबास्टियन पर नजर रख रही थी। घर आने के बाद सेबास्टियन अपने कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को अपने पेरेंट की पिक्चर्स के पास रख देता है। नेक्स्ट डे सेबास्टियन जब रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है तो तभी पीछे से ग्वेंडलिन आ जाती है और अचानक से उसके सामने आ जाने की वजह से सेबास्टियन की कॉफी खुद पर ही गिर जाती है, लेकिन सेबास्टियन उसे वहाँ पर देख कर खुश हो जाता है। यहाँ पर ग्वेंडलिन उसे कहती है कि वो कमेंट मैंने ही तुम्हें किया था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूँ। वो उसे ये भी रिवील करती है कि मैं वांटेड हूँ, बहुत सारी कंट्रीज की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। तभी सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है। तब ग्वेंडलिन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, हम असल में एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमें हमें उस बूढ़े आदमी के बनाए गए वो 3 मुश्किल लॉकर्स खोलने हैं। वही बूढ़ा आदमी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी जिसने वो मुश्किल लॉकर्स बनाए थे। ग्वेंडलिन बताती है कि उन लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। तभी सुनकर सेबास्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही उन 3 मुश्किल लॉकर्स को खोलना चाहता था। तब ग्वेंडलिन कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं और हम सब मिलकर ये चोरी करेंगे। इसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सेबास्टियन काफी देर तक सोचता रहता है और फिर वो ग्वेंडलिन का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो ग्वेंडलिन के घर जाता है, जहाँ पर वो सेबास्टियन को टीम के बाकी मेंबर से मिलवाती है, जिनमें एक लड़की कोरिना थी जो
की हैकर थी, दूसरा एक आदमी जो खतरनाक ड्राइवर था, और तीसरा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो बॉडी बिल्डर था। तब सिबास्टियन कहता है क्या हम पांचों मिलकर चोरी करेंगे और फिर किसी जगह पर छुप जाएंगे, जिस पर ग्वेंडलिन कहती है कि हाँ ऐसा ही प्लान है। तब सिबास्टियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करने से तो पुलिस को शक हो जाएगा हम पर। तब ग्वेंडलिन कहती है कि हम पांच लोगों की एक टीम है, इसीलिए पुलिस को बहुत जल्द तो हम पर शक नहीं होने वाला। अब कोरिना उन सभी को उन तीनों लॉकर्स के बारे में बताती है कि पहला लॉकर पेरिस में है जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा लॉकर प्राग में है जिसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है, और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है और इसमें कम से कम 100 मिलियन डॉलर्स हैं। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसके ये तीनों लॉकर्स थे। इसके बाद वो सभी रेडी होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहां वो सभी लोग सिबास्टियन को प्लान समझाकर उसे बैंक के पास भेजते हैं। इसके बाद सिबास्टियन बैंक के अंदर आ जाता है, जहां वो डर की वजह से काफी नर्वस था। तब प्लान के अकॉर्डिंग वो वॉशरूम में छुप जाता है। इसके बाद वहां पर ग्वेंडलिन आ जाती है, जो बाहर खड़े गार्ड को उसका सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी ले लेती है, और अंदर आने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट को उसके लॉकर के पास ले जाने के लिए कहती है, वो लॉकर उसने गलत नाम से यहाँ पर ओपन करवाया था। फिर वो लेडी ग्वेंडलिन को लॉकर के पास छोड़ देती है। इसके बाद कोरिना अंदर आती है, जो काउंटर पर बैठे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। उधर ग्वेंडलिन सिबास्टियन को वॉशरूम से बाहर निकाल कर लिफ्ट से होते हुए उस लॉकर के पास ले आती है, जिसे देखकर सिबास्टियन बहुत खुश हो जाता है, और वो अपने थोड़े मूवमेंट्स करके ग्वेंडलिन को लॉकर की कहानी सुनाने लगता है। तब ग्वेंडलिन उसे कहती है कि प्लीज पहले तुम लॉकर को खोल लो। इसके बाद सिबास्टियन एक म्यूजिक गाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। इस लॉकर में तीन लॉक लगे हुए थे और वो लॉक की आवाज सुनते हुए पहले लॉक को ओपन करने में कामयाब हो जाता है, और ऐसा ही करते हुए वो बाकी दोनों लॉक्स को भी खोलकर लॉकर का दरवाजा ओपन करता है। तब उसके अंदर इतने सारे पैसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि यहां पर वो कामयाब हो गए उस आदमी के पहले लॉकर को खोलने में। फिर वो इस लॉकर के सारे पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं। यहां पर ग्वेंडलिन उसे कहती है कि बस देखते रहो, अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि दो लॉकर्स अभी और बाकी हैं और उन दोनों में इससे कई ज्यादा पैसा है। तब उनका काम होने के बाद वो बॉडी बिल्डर अंदर आ जाता है और वो बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मौके का फायदा उठाकर सिबास्टियन और ग्वेंडलिन दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और काफी खुश भी होते हैं। अब इनकी चोरी के बारे में एक ऑफिसर को पता चल जाता है क्योंकि बैंक के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में ग्वेंडलिन और वो बॉडी बिल्डर कैप्चर हो गए थे। तो वो सीनियर ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स को बताता है कि इन लोगों ने 5 साल पहले भी सेम ऐसे ही चोरी की थी, और 5 साल पहले जब मैं इन्हें पकड़ने ही वाला था कि वो बचकर भाग गए, और मुझे लगता है कि इनके पास एक और मेंबर भी है, और अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये प्राग जाने वाले हैं ताकि वो दूसरे लॉकर के पैसे चोरी कर सके, लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। अब पहले लॉकर को चोरी करने के बाद वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद सिबास्टियन ग्वेंडलिन के रूम में आता है, जहां ग्वेंडलिन उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे लेकिन उनका ध्यान मुझ पर जरा भी नहीं था, और तभी मैं इन लोगों से मिली और तभी से मैं भी चोर बन गई। अब इन दोनों की बातें करने से उस बॉडी बिल्डर को जेलस फील हो रहा था क्योंकि वो ग्वेंडलिन को पसंद करता था। फिर नेक्स्ट डे वो सब प्राग के लिए निकल जाते हैं और वो सभी उस बैंक के सामने आ जाते हैं जहाँ पर वो दूसरा लॉकर था। यहाँ पर कोरिना बताती है कि ये बैंक काफी एडवांस्ड है, इसीलिए हमें काफी ख्याल रखना होगा। तब ये सुनकर सिबास्टियन थोड़ा डर जाता है। उधर वो सीनियर ऑफिसर भी अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ बैंक के बाहर नजर रख रहा था ताकि जैसे ही वो लोग चोरी करने के लिए आए तो वो उन्हें पकड़ ले। उधर ग्वेंडलिन सिबास्टियन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है। इसके बाद सिबास्टियन बैंक के अंदर चला जाता है, जहां वो कोरिना की दी गई नकली आईडी की मदद से आगे बढ़ता है। साथ साथ कोरिना उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी। आगे बढ़ने पर सिबास्टियन को दो दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें से वो लेफ्ट साइड वाले दरवाजे की तरफ जाता है और फिर लिफ्ट की मदद से उस लॉकर के पास चला जाता है। लेकिन कैमरास पर नजर रखने वाले गार्ड्स को उस पर शक होने लगता है क्योंकि वो दरवाजे से अंदर जाने के बाद बाहर आया ही नहीं। इसके बाद सिबास्टियन एक डोर के पास आता है जो कि लॉक था। कोरिना उसे अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाने का ड्रामा करने के लिए कहती है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो, और तब तक कोरिना उस लॉक को हैक करके वो दरवाजा खोल देती है। इसके बाद सिबास्टियन को ग्वेंडलिन मिलती है। तब वो दोनों लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स वहां पर आकर उन पर अटैक कर देती है। लेकिन यहां पर ग्वेंडलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। ग्वेंडलिन की बहादुरी देखकर सिबास्टियन काफी हैरान हो जाता है। उधर गार्ड्स को भी सीसीटीवी से पता चल जाता है कि दरवाजे का लॉक हैक
हैक करके खोला गया है, इसीलिए वो सभी डोर्स को बंद कर देते हैं। इसीलिए कोरीना अब उस बॉडी बिल्डर को प्लान 2 यूज करने के लिए कहती है और तब वो बॉडी बिल्डर अपना मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है और वो सभी को गन दिखाकर एक जगह पर खड़े होने के लिए कहकर काउंटर वाली फीमेल को सारे पैसे बैग में भरने के लिए कहता है ताकि वो सभी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। उधर उस ऑफिसर को कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, इसीलिए उसे शक हो जाता है कि कुछ तो उल्टा चल रहा है। इसीलिए वो अब उस बैंक के अंदर आ जाता है अपने ऑफिसर्स के साथ, जहां उसे पता चलता है कि उस लॉकर को तो एक हफ्ता पहले ही कहीं और पर शिफ्ट कर दिया गया है। तब ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है, इसीलिए अब वो अपने असिस्टेंट और बाकी ऑफिसर्स के साथ उस ब्रांच के लिए निकल जाता है। उधर सिबास्टियन जब दूसरे लॉकर को खोल रहा होता है तब उसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिससे बाकी लॉक्स भी अंदर चले जाते हैं। तब सिबास्टियन ग्वेंडलिन को कहता है कि अगर अब गलती हुई तो ये लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद वो फिर से लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लकीली एक एक करके तीनों लॉक्स को खोल लेता है, जिससे उस लॉकर का दरवाजा भी फाइनली खुल जाता है और ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उधर कोरीना अपने साथी बॉडी बिल्डर से कहती है कि काम हो गया है, अब तुम वापिस आ जाओ। लेकिन तभी उस बॉडी बिल्डर को गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं और तब बचने की कोशिश में उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है, इसीलिए वो विंडो से कूद कर सीधा वैन में आ जाता है। जब बॉडी बिल्डर बैंक से बाहर निकल जाता है तो लोग भी बैंक से बाहर निकलने लगते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडलिन और सिबास्टियन भी बैंक से बाहर आ जाते हैं और वैन की तरफ भागने लगते हैं। तब सिबास्टियन अपने बैग को वैन में डाल देता है। तब वो बॉडी बिल्डर पहले ग्वेंडलिन को पकड़ कर वैन में बिठाता है और जब वो सिबास्टियन को पकड़ कर अंदर बिठाने लगता है तो उसे ख्याल आता है कि अगर ये हमारे साथ रहा तो वो ग्वेंडलिन को मुझसे छीन लेगा, इसीलिए वो इस गुस्से में उसे बाहर फेंक देता है वैन से। तब ये देखकर वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक वैन भी वहाँ से जा चुकी थी। उधर अनफॉर्चुनेटली पुलिस सिबास्टियन के पीछे पड़ जाती है, इसीलिए वो एक साइकिल चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वो ऑफिसर भी उस बैंक तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लॉकर भी चोरी हो गया है, यानी दूसरा लॉकर, और सीसीटीवी में भी कोई सबूत नहीं है, वो भी ब्लैंक है। तभी सुनकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है। उधर सिबास्टियन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उधर वैन में ग्वेंडलिन उस बॉडी बिल्डर से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, सिबास्टियन को क्यों वैन से बाहर फेंक दिया। जिस पर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सभी फंस जाते और वैसे भी अब हमें सिबास्टियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि हमें तीसरे लॉकर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। तब ग्वेंडलिन कहती है कि मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही। तब इसीलिए वो गुस्से में आकर वैन से बाहर निकल जाती है। तब ग्वेंडलिन को जाता हुआ देख कोरीना भी उसके साथ मिल जाती है। तब उन्हें देखकर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि चले जाओ तुम लोग, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। उधर सिबास्टियन अब अपने घर आता है, जहां ग्वेंडलिन और कोरीना पहले से ही मौजूद होती है और वो सिबास्टियन को सरप्राइज देकर डरा देती है। सिबास्टियन गुस्से में आकर उनसे कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो, चले जाओ यहां से। तब ग्वेंडलिन उसे समझाते हुए कहती है कि हमारा वो साथी यानी बॉडी बिल्डर पैसों के लिए ये मिशन करना चाहता था, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, बल्कि मैं तो हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए ऐसा कर रही हूं, और हम तुम्हारे बगैर तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते। तब यहां पर सिबास्टियन उनकी बात मानते हुए कहता है कि अब तो मुझे भी उस लॉकर को खोल कर अपनी एक्साइटमेंट को खत्म करने का दिल है। तब ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती है। उधर उस सीनियर ऑफिसर को यूट्यूब पर सिबास्टियन की वीडियो मिल जाती है। तब वो अपनी असिस्टेंट को बुलाकर उसे कहता है कि उन लोगों ने इस लड़के को हायर किया है उस लॉकर को खोलने के लिए, लेकिन ये तो एक आम सा लड़का है और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और उन लोगों ने इसे अपना काम होने के बाद वैन से बाहर फेंक दिया, और अब शायद वो काफी डरा हुआ होगा और इसीलिए शायद हम उसे भी पकड़ लें और बाकियों को भी पकड़ लें और इस तरह से हम उनके मास्टर माइंड तक पहुंच जाएंगे। उधर वो लोग तीसरे लॉकर इन स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, जहां पर वो ऑफिसर पहले से ही अपने साथियों के साथ उस गैम्बलिंग क्लब के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि तीसरा लॉकर यहीं पर इस गैम्बलिंग क्लब में है। और तभी एक ऑफिसर को कोरीना का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कहती है कि हम 5 बजे गैम्बलिंग क्लब के अंदर जाएंगे, इसीलिए अब वो ऑफिसर 5 बजने का इंतजार करता है। और जब 5 बजते हैं तो वो गैम्बलिंग क्लब के अंदर आकर मैनेजर को कहता है कि लॉकर को खतरा है, जिस पर वो मैनेजर कहती है कि हमें पता है, आप लोगों ने तो हमें बताया था। तब ये सुनकर वो ऑफिसर एकदम हैरान हो जाता है। तो वो मैनेजर उन्हें बताती है कि 8 घंटे पहले आप लोगों की तरफ से हमें कॉल आई थी कि लॉकर चोरी होने वाला है, इसीलिए हमने उस लॉकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया है। इसके बाद मूवी अब 8 घंटे पहले चली जाती है, जहां पर कोरीना ने ही मैनेजर को कॉल करके कहा था कि लॉकर चोरी होने वाला है, और तब मैनेजर ने गार्ड्स को बुलवाया ताकि वो
लॉकर को दूसरी ब्रांच में भिजवा सके। लेकिन जिस गाड़ी में वो गार्ड्स होते हैं उस गाड़ी में ग्वेंडलिन घुस जाती है और वो दोनों गार्ड्स को मार कर उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वो और सिबास्टियन दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर उस गैम्बलिंग क्लब में आते हैं और गाड़ी में लॉकर रख कर उसे ले जाने लगते हैं। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर वो ऑफिसर एक बार फिर से भड़क जाता है और अपने ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर गैम्बलिंग क्लब के बाहर बॉडी बिल्डर और उसका दूसरा साथी यानी वो ड्राइवर भी होते हैं जो बाकियों के लॉकर को चोरी करने के बाद अपना हिस्सा यानी अपने पैसे लेने आए थे। लेकिन तभी उसे ग्वेंडलिन की लोकेशन का पता चल जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है। उधर कोरिना को भी पता चल जाता है कि उनका वो साथी यानी बॉडी बिल्डर अब ग्वेंडलिन के पास जा रहा है क्योंकि उस टाइम वो गैम्बलिंग क्लब के पास ही थी। इसीलिए कोरिना अपने उस साथी को रोकने के लिए उसके पास आ रही होती है। लेकिन तब तक उसके दोनों साथी यानी बॉडी बिल्डर और वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर वो मैसेज करके ग्वेंडलिन को बता देती है कि वो बॉडी बिल्डर और हमारा दूसरा साथी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैसेज करने के बाद कोरिना अपना मोबाइल तोड़ देती है। यहाँ पर वो ऑफिसर उसे धमकी देते हुए उसे कहता है कि बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है। तब उसकी असिस्टेंट उस ऑफिसर को रोकते हुए कोरिना से पूछती है कि बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है। इसके बदले में हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे भाई का हमेशा ख्याल रखेंगे। असल में कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है और अगर वो जेल में चली गई तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। इसीलिए वो उन लोगों की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो उन लोगों को ग्वेंडलिन के पास ले जाने लगती है। उधर ग्वेंडलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे सिबास्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और इस लॉकर को खोलना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि इस पर 7 लॉक लगे हुए थे। इसके बाद सिबास्टियन म्यूजिक प्ले करता है और उन लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिसमें से वो 6 लॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक से रास्ते में एक मोड़ आ जाता है जिसके मुताबिक ग्वेंडलिन गाड़ी को घुमा देती है जोर से जिससे सिबास्टियन गिर जाता है। इसके बाद वो फिर से कोशिश करके 7वें लॉक को भी खोल लेता है। सारे लॉक्स को खोलने के बाद फाइनली वो लॉकर को ओपन करने में कामयाब हो जाता है जिससे वो दोनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि वो 3 सबसे मुश्किल लॉकर को खोलने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद वो गाड़ी को एक जगह पर रोक कर सारे पैसे बैग में भरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर और उनका दूसरा साथी यानी वो ड्राइवर अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो बॉडी बिल्डर उन पर गन पॉइंट करके पैसे मांगता है लेकिन ग्वेंडलिन इसके लिए साफ इनकार कर देती है। इसीलिए वो सिबास्टियन को शूट कर देता है लेकिन उसकी गन में एक भी बुलेट नहीं थी। इसके बाद ग्वेंडलिन उस पर गन पॉइंट करके उसे कहती है कि मुझे तो तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था इसीलिए मैंने तुम्हारी गन में गोलियां डाली ही नहीं थी। इसके बाद वो उन दोनों को गाड़ी से बांध देती है और उनकी गाड़ी लेकर सिबास्टियन के साथ वहाँ से निकल जाती है। तब उनके जाने के बाद वो ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और वो बॉडी बिल्डर और उनके उस साथी ड्राइवर को पकड़ लेता है। उधर ग्वेंडलिन और सिबास्टियन भागते हुए एक बोट के पास आ जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते अनलकीली वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो उन दोनों पर गन पॉइंट करके उन्हें खुद के हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन ग्वेंडलिन भी उस पर गन पॉइंट कर देती है और अब वो उस ऑफिसर को पैसों का लालच देने की कोशिश करती है। तब वो ऑफिसर इस ऑफर को लेने से इनकार करते हुए कहता है कि मैं 5 साल से तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए और तुम्हें पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इसीलिए कोई भी रास्ता ना होने पर ग्वेंडलिन उसे कहती है कि ठीक है मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं लेकिन तुम्हें सिबास्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो बेकसूर है वो कोई भी क्रिमिनल नहीं है। तो वो ऑफिसर ग्वेंडलिन की ये बात मान लेता है लेकिन तब सिबास्टियन ग्वेंडलिन को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तब ग्वेंडलिन उसे समझाते हुए कहती है कि अभी तुम जाओ और मैं जेल से निकलने के बाद सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी। इसके बाद सिबास्टियन उसकी बात मानकर बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो ऑफिसर ग्वेंडलिन को पकड़ लेता है। उधर सिबास्टियन को अपना पासपोर्ट भी मिलता है जहाँ ग्वेंडलिन ने सबके लिए अलग अलग पासपोर्ट्स बनवाए हुए थे। तब ये देखकर सिबास्टियन को ग्वेंडलिन के साथ गुजारे गए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिबास्टियन ने ग्वेंडलिन सेफ एंड लॉक नाम का एक स्टोर खोला था और तभी सिबास्टियन के पास 2 लोग मिलने आते हैं और उनके पास भी एक लॉकर का मैप होता है और वो सिबास्टियन से पूछते हैं क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो। जिसे देखकर सिबास्टियन खुश होते हुए उन्हें कहता है कि हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ। और इसी मिस्टीरियस सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।